Hey guys, welcome back to my channel. आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ असम के कुछ डांस फॉर्म्स की इंफॉर्मेशन। जैसे कि ज्यादातर लोग जानते होंगे कि असम का फोक डांस सिर्फ बिहू है, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिहू डांस के अलावा भी कई डांस फॉर्म्स है असम के, जैसे बागुरुम्बा, मोटाल नृत्य, सत्रिया डांस, बैम्बू डांस एंड एक्सेट्रा, जिसे असमिस लोग अपने अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं। तो इन्हीं डिफरेंट डांस फॉर्म्स के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूंगी। रिसेंटली हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क विजिट करके आए हैं और यहीं पर हमने देखा कि असम के कई और भी डांस फॉर्म्स हैं। ये मुझे काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा एंड मैंने सोचा कि क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ भी शेयर करूं। इवन काजीरंगा में हमने असम के कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ जाना। काजीरंगा में एक ऑर्किड एंड वाइल्ड लाइफ सिटी पार्क है, वहीं पर ये डांस शो होता है एंड वहाँ पर हमें काफ़ी कुछ और भी जानने को मिला असम के बारे में। इसका ट्रिप के पूरी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर है, यदि आप चाहते हैं प्लान करना तो आप उस वीडियो को जरूर देखें एक बार। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम देखते हैं भोरताल नृत्य के बारे में, जिसे डिस्कवर किया था एक ग्रेट सत्रिया आर्टिस्ट ने जिनका नाम था नरहरि बुढ़ा। ये असम के बारपेटा डिस्ट्रिक्ट का फेमस डांस फॉर्म है एंड ये बहुत ही ग्रेसफुल डांस है जिससे ढोल के बीट्स पर परफॉर्म किया जाता है। नाउ दिस इज बागुरुम्बा डांस, जो असम के बोडो ट्राइब्स का डांस फॉर्म है। इसे लॉन्ग ड्रम के बीट्स पर परफॉर्म किया जाता है एंड बेसिकली बोडो ट्राइब्स के विमेन परफॉर्म करती हैं इस पर। ये कई नेचुरल कंपोनेंट्स को सिग्निफाई करता है, लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, विंड, ट्रीज एंड बटरफ्लाइज, इसीलिए इसे बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज राभा हमजर फोक डांस। ये डांस राभा ट्राइब के लोग करते हैं एंड राभा ट्राइब बेसिकली हिली एरियाज पर रहते हैं। ये असम के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अदर हिली एरियाज में भी पाए जाते हैं। इस डांस को ये लोग हिल्स में जब कल्टीवेशन करते हैं उसे एंजॉय करने के लिए परफॉर्म करते हैं। Now this one is most important dance form of Assam and this is Satriya Nritya, जिसे हर स्टेट का एक क्लासिकल डांस फॉर्म फेमस है, लाइक भरतनाट्यम, कथकली,
वैसे ही असम का क्लासिकल डांस फॉर्म है सत्रिया नृत्य, एंड दिस वन इज माटी अखड़ा नृत्य जो सत्रिय डांस फॉर्म में आता है। Now this one is Gumrak folk dance, which is performed by missing tribes of Assam. इसे rice cultivation के time पर perform किया जाता है and इसे celebrate किया जाता है। Now this one is bamboo dance. जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसे बैम्बू की बीट्स पर परफॉर्म किया जाता है। एंड ये मिजोरम का फोक डांस है, इसे चेरा डांस भी कहा जाता है। जनरली ये लोग इस डांस फॉर्म को फेस्टिव ओकेजन्स पर करते हैं। Now this one is most awaited dance form of Assam, which is Bihu dance. ये असम का famous folk dance है and इसे असम में Bihu festival पर perform किया जाता है। ये festival April month में आता है and Assamese calendar के according इसे New Year के रूप में celebrate किया जाता है। Bihu festival is associated with agriculture and rice in particular. And Bihu word के बिना असम को describe करना काफी मुश्किल है। So this is all about various dance forms of Assam, जो हमें एक साथ देखने को मिले काजीरंगा के ऑर्किड एंड बायोडायवर्सिटी पार्क में। We enjoyed it so much and hope आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा and इस वीडियो से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में और भी जानने को मिला होगा।
अपने काजीरंगा ट्रिप पर मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिले मैंने कोशिश किया है कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि आपके लिए इस ट्रिप को प्लान करना इजी हो जाए। ये वाला वीडियो काजीरंगा एपिसोड का थर्ड पार्ट है मेरे चैनल पर, एंड दो पार्ट्स ऑलरेडी इसके मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप जरूर चेक कीजिएगा। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट पार्ट में ऑर्किड एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क की डिटेल वीडियो होगी, उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।